हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अब मैं बना रही हूँ ढोकला, वो भी कढ़ाई में फटाफट, बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए लिया मैंने 2 कप बेसन, अभी 1 कप है, 1 कप और डालेंगे, और 1/4 कप चीनी, आप कटोरी से भी नाप सकते हो। 1 लेमन उसमें डालेंगे तड़के में, और ये हाफ डालेंगे इसमें बैटर में। ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लिया मैंने 1 कप बेसन, 1 और कप लेंगे, 1 कप और लेंगे। 2 कप मैंने बेसन डाल दिया, 1/4 कप चीनी, ये अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, 1 कप पानी डाल देंगे। इसको मिक्सर से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करना जब तक ये गुठलियां खत्म ना हो जाए। इसको 2-3 मिनट मिक्स करते रहना है, इससे बैटर बहुत अच्छा बनता है, ढोकला बहुत अच्छा बनता है, फ्लफी। हल्का सा पानी वो डालेंगे, थोड़ा सा थिक लग रहा था, मिक्स कर देंगे। मैंने एक कढ़ाई रख दिया, आज हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें स्टैंड रख देंगे। आपके पास बड़ी प्लेट या बड़ी कटोरी है वो आप रख देना। इतने पानी गर्म हो रहा है, इतने हम बैटर देख लेते हैं। बैटर हो गया मिक्स, इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 लेमन, 1/2 मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर हो गया रेडी। इसमें आज मैं गाइस ढोकला बना रही हूँ इनो से, तो ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, ओनली इनो से हम ढोकला बनाएंगे। तो पहले सबसे इनो हम लास्ट में डालेंगे जैसे हम गैस पे चढ़ाएंगे। उससे पहले मैं ये इसमें बना रही हूँ, ये इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, अच्छे से चारों तरफ इसको ऑयल से ग्रीस कर लो। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया, अब इसमें मैं लगा दूंगी बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली ऑयल से ग्रीस कर लो। हमारा ये टेन हो गया रेडी, तब हम बैटर देख लेते हैं। इसमें डालेंगे इनो का सैशे, मिक्स करेंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना। तो हमारा ये इनो डाल दिया मैंने, मिक्स कर दिया फटाफट, इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया, इसको टैप कर देंगे। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गई हमारी, पानी इधर मैंने ये रख दिया, तो इसको हम कवर कर देते हैं। इसको मैंने कवर कर दिया, 15-20 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो गाइस 15 मिनट्स हो गए, हम ढोकला चेक कर लेते हैं एक बारी। टूथपिक या नाइफ से चेक कर लो आप, हमारा टूथपिक क्लीन निकला है। तो हमारा ढोकला पक गया। गैस गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड होता है, किसी का स्लो पे थोड़ा सा हाई तेज चलता है, तो आपकी गैस के फ्लेम के ऊपर ही डिपेंड है। किसी का 15 मिनट्स में पक जाता है, कई बार 20 मिनट्स भी ले लिया जाए। तो मेरे 15 मिनट्स में ढोकला तैयार हो गया। तो अब हम बनाते हैं तड़का, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठंडा होएगा इतने, फिर हम तड़का बनाते हैं। हमने ढोकला उतार दिया, इसको किसी कपड़े से कवर करके रख देते हैं। तो मैंने एक पैन रख दिया, गैस ऑन का फ्लेम ऑन करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल दिए, राई डालेंगे, 2 छोटे चम्मच मैंने राई डाली है, सरसों, तड़कने देंगे। ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली है, इसको हाफ अंदर से काट दिए। ये थोड़ा सा धनिया है, ये कड़ी पत्ता है, 10-12 पत्ते कड़ी पत्ता है, ये 1/4 चीनी डाल दिए, और ये 1 नींबू का रस हमने डाल दिया। राई तड़क गई है, हरी मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। जब ये तड़क जाए तो 2 कप पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे 1/4 कप, लेमन। अब इसको बॉयल आने देंगे, एक तो बॉयल आ जाए, हमारा तड़का तैयार। तो ढोकला चेक कर लेते हैं, इसके अब हम पीस बना लेते हैं।
इसको निकाल देते हैं। टैप करेंगे थोड़ा सा, चेक कर लेते। तो देखो गाइस, हमारा ढोकला हो गया रेडी। देखो ये मैंने माइक्रोवेव में बनाया, हमारा तड़का हो गया रेडी। गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। इसके अब हम पीस काट लेते, कट कर लेते। देखो गाइस, हमारा कितना स्पंजी जालीदार ढोकला बना है। तो अब हम इसमें अपना वो तड़का डाल देते हैं। इसमें अब हम तड़का डालेंगे। चारों तरफ से तड़के वाला पानी डाल देंगे। देखो हमारा ढोकला हो गया रेडी, तो हम सर्व करते हैं। तो गाइस देखो, मैंने ढोकला सर्व कर दिया है। कैसा लगा मेरा ढोकला? प्लीज मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।